वैसे तो नरसिम्हा राव किसी भी अफसर को एक्सटेंशन देने के बहुत खिलाफ है, लेकिन केपीएस गिल को दो बार एक्सटेंशन मिल चुका है और ताज्जुब नहीं यदि उन्हें तीसरी बार भी एक्सटेंशन मिल जाए। तो आइए एक नजर डालते हैं 1957 बैच के आईपीएस अफसर केपीएस गिल के कैरियर पर। 29 दिसंबर 1934 को लाहौर में जन्मे केपीएस गिल इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। असम कैडर के आईपीएस गिल ने वैसे तो उग्रवाद से प्रभावित लगभग सभी राज्यों में काम किया है, लेकिन पंजाब में किया गया कार्य उनके करियर की खासी उपलब्धि रहा है। सितंबर 1984 में गिल को पंजाब आर्म्ड फोर्स का इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया। जून 87 से अप्रैल 88 तक उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य किया। अप्रैल 1988 में उन्हें पहली बार पंजाब का पुलिस महानिदेशक बनाया गया। दिसंबर 1990 से 91 तक वे सीआरपीएफ के महानिदेशक रहे और नवंबर 91 में एक बार फिर उन्हें पंजाब पुलिस का महानिदेशक बनाया गया। खेलों के शौकीन गिल जून 1994 में भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। नहीं, कई पुलिस अफसर कहते हैं, साहब जब गिल साहब को इतने एक्सटेंशन मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते, हम भी उतने बहादुर हैं, हम भी उतना काम कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में चूकी हुए हैं इसलिए उनको एक्सटेंशन मिलते हैं। It's very difficult to answer this question कि why have I been given extensions? तो मैं आपको बताता हूँ कि when I was sent to Punjab 91 November में for my second tenure there, तो मुझे कहा था कि आप elections करवा दीजिए और उसके बाद आपको वापस यहाँ, I was then DGCRPF, तो posting की ड्यूरेशन 3-4 महीने की बताई गई थी और अब वो 3-4 महीने स्ट्रेच करके 3-4 साल होने वाले हैं। आई एम स्टिल देयर। गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट साहब, वो आप पे कुछ खासे मेहरबान हैं, इसकी क्या वजह है? पायलट साहब को मैं असम से जानता हूँ। असम में उस टाइम पे पायलट साहब यूथ कांग्रेस में थे और अमूमन आया करते थे वहाँ पे, जब कोई प्रॉब्लम होता था उसको टैकल करने के लिए। आई थिंक ही हैड दी Since then I know him. तो वो आपको extension पे extension क्यों दिलवाए जाते हैं? That I don't know. That ये सवाल तो आप उनसे पूछिए। पंजाब के politicians, पंजाब के लोग ही कहते हैं कि पंजाब में healing touch की जरूरत है, कि PS Gill की उतनी जरूरत नहीं है। Healing touch की जरूरत है और healing touch हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात जो सोचने वाली ये है कि एक government officer doesn't choose his posting. उसको जहाँ लगा दिया जाता है वो, he has to go there. So I am in Punjab because I am there. उनका मतलब है काम करने के तरीके से, मतलब ये कि उनको हीलिंग टच दिया जाए, केपीएस गिल का डंडा ना दिया जाए। अभी आप पिछले कुछ दिनों से पंजाब का ही न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर है ट्रिब्यून, उसने कुछ आर्टिकल्स छापे हैं और ऑल्दो पंजाब पुलिस का उन्होंने काफ़ी जनरल सर्वे किया है और अगर आप टेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल की तो इट इज़ फेवरेबल टू द पुलिस।